दोस्तों कैसे आप सभी। आशा का तो सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस मोटर कंपनी की तरफ से आने वाली अपाचे आरआर 310 के अपडेटेड मॉडल के ऊपर। जी हां दोस्तों, ये गाड़ी अपडेट होके लॉकडाउन से पहले मिलने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कंपनी ने इसको लॉन्च करने का फैसला थोड़ा लेट कर दिया, बोले तो पोस्टपोन कर दिया। अब फाइनली इसकी डेट रिवील हो चुकी है, इसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने मिलेगा वो भी रिवील हो चुकी है। तो मैंने सोचा आपको एक पूरा ओवरऑल वीडियो बना के बता देता हूँ कि आपको इस गाड़ी में क्या देखने को मिलेगा। वीडियो को देखने से पहले आपको करना क्या, आपको पता ही है ना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके उसके साथ में जो बेल आइकन उसको भी क्लिक कर देना, नहीं तो कोई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोग को नहीं मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल दोस्तों, अगर मैं बात करूँ टीवीएस अपाचे आरआर 310, ये एक फ्लैगशिप बाइक है टीवीएस कंपनी की तरफ से, जिसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसका डिज़ाइन इतना अच्छा है और इंजन बीएमडब्ल्यू 310 का यूज़ किया गया। हालांकि बैजिंग इसमें अपाचे की मिलती है, लेकिन इंजन आपको BMW का देखने को मिलता है। इस कारण से इस गाड़ी में स्मूथनेस, पावर, टॉर्क काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। अब आती है इस गाड़ी के जो अपडेटेड मॉडल है वो लॉन्च होगा कब। तो इस गाड़ी की जो लॉन्चिंग डेट है वो 30 अगस्त 2021 है, जिस तारीख को ये लॉन्च होगी और इसका इवेंट होगा ऑनलाइन। और उससे अच्छा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपन यहाँ पर लाइव इवेंट भी देखेंगे, साथ में चिट चैट भी करेंगे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब आती है इस गाड़ी में क्या क्या चेंजेस होने वाले न्यू अपाचे आरआर 310 में, जो आपको 30 अगस्त 2021 को देखने को मिलेगा। सबसे पहला अपडेट आपको इसमें मिलेगा फ्रंट सस्पेंशन में। जी हाँ, यहाँ पे आपको प्री लोड एडजस्टेबिलिटी ऑप्शन मिलेगा, प्री लोड एडजस्ट कर सकते हैं फ्रंट सस्पेंशन में, जो कि हमने देखा है अपाचे आरटीआर 204B में, एंड वही चीज़ आपको अपाचे आरआर 310 में भी देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा, इसकी प्राइस भी बढ़ने वाली है, तो प्राइस बढ़ने के लिए भी रेडी रहना कि सुन लेना कि कितना प्राइस बढ़ा रहे हैं। ग्राफिक्स इसमें अगेन रिवाइज होंगे, नए ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे इस बाइक में, एंड इस गाड़ी का लुक वैसे भी और अच्छा हो जाता है। सोर्स से जो पता चला है इस गाड़ी में, मतलब अपाचे आरआर 310 में ECU को भी अपडेट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ECU को अपडेट करके इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है उसको और क्रिस्प किया जाएगा और अच्छा किया जाएगा, जिससे राइडर को और मज़ा आए इस गाड़ी को चलाने में और पैपी लगे इस गाड़ी को चलाने में। इस कारण से इसका थ्रॉटल को भी इंक्रीज़ किया जाएगा, बोल सकते हैं उसको और स्मूथ किया जाएगा, जिससे बेटर रिस्पॉन्स मिल सके। तो ECU अपडेट अगर इसमें हो रहा तो हो सकता है शायद जो प्रीवियस मॉडल से जो ऑलरेडी परचेस कर चुके उसमें भी ECU अपडेट आएगा, बाद में आएगा, लेकिन इसमें आपको पहले मिलेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्या पुरानी वाली हम बेच के नई वाली ले, दोस्तों ऐसा करके कोई मतलब नहीं है। अगर किसी का प्लान है परचेस करने का, देन ओनली आप नया वाला वेरिएंट ले, पुराना वेरिएंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही सब कुछ आपको देखने को मिलता है। इंजन की बात करें तो इंजन अगेन आपको वही 312.2 cc का लिक्विड कोल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 33.2 bhp का आउटपुट, फुल्ली कलर TFT स्क्रीन, आपको सामने LED प्रोजेक्टर हेडलाइट, LED इंडिकेटर्स, LED टेल लाइट, वही आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, साइड एग्जॉस्ट विथ टायर हगर, फुल बॉडी कवर्ड आपको मिलता है इंजन, एंड यहाँ पे आपको TFT स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी मिलती है। चार राइडिंग मोड्स मिलते हैं, जिसमें से आपको फुल थ्रॉटल मिलता है स्पोर्ट वाले मोड में, एंड गाड़ी काफ़ी अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी की आपको देखने को मिलती है। फिलहाल इस गाड़ी का जो प्राइस है इंडिया में 2,55,000 है, और ये सारे अपडेट के बाद इस गाड़ी का प्राइस 8,000 से 10,000 रुपये और बढ़ जाएगा। हालांकि ये जो लॉन्च होगा वो 30 अगस्त 2021 को होगा, उस दिन आपको और सारी डिटेल भी देखने को मिलेगी। तो अभी बहुत सारी गाड़ी और लॉन्च होने वाली है, तो वो सारी गाड़ियों के अपडेट्स के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नहीं तो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको नहीं मिलेगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।